दोस्तों, आपने माजा और फ्रूटी का तो गर्मियों में काफी मजा लिया ही होगा। ये सभी ब्रांड्स ये कहते हैं कि ये 100% मैंगो से बने हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सच मुझे फैक्ट्री में इन ड्रिंक्स को बनाते हुए सिर्फ मैंगोस का ही यूज होता है? और अगर ये बनती भी है तो कैसे? अगर इन जूसेस को सचमुच आमों से ही बनाया जाता है तो हर बॉटल पर क्यों लिखा होता है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं? आखिर क्या प्रोसेस है जो पेड़ों पर लगे आमों को इन फ्रिज में पड़ी बॉटल्स में बदल देता है? आज जानेंगे हम ये सब, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो पहले बात करते हैं कि मैंगो को इन फैक्ट्रीज तक आते कैसे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आम के पेड़ बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इन पर से इन आमों को निकालना भी एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए इसमें हम हार्वेस्टिंग एड्स की मदद लेते हैं। नीचे के आमों को तो हाथ से ही तोड़ लिया जाता है, लेकिन इससे ऊपर के आमों के लिए एक पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल होता है, जिसके आगे मैकेनिकल जॉज लगे होते हैं जो स्टेम को काट देते हैं और आम नीचे गिर जाता है। इससे भी ऊंचे आमों के लिए एक हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जा सकता है जो एक क्रेन से अटैच्ड होती है। आमों को तोड़ने के बाद सीधा एक ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद नीचे गिरे आमों में से स्टेम या इसकी डंडियों को रिमूव किया जाता है। आम का फल खुद को लेकर बहुत ही डिफेंसिव होता है, और जैसे ही आप स्टेम में से फल को अलग करते हैं, अपने डिफेंस के लिए इस आम में से एक सैप निकलता है। इस सैप के आपके कांटेक्ट में आने से आपकी स्किन जलने लगती है, साथ ही अगर ये सैप आम पर गिर जाए तो इसे डैमेज भी कर सकता है। इसलिए स्टेम को बहुत ध्यान से ग्लव्स पहनकर ही निकाला जाता है, और निकालते ही अगले 5 सेकंड के अंदर ट्रैम्पोलिन में फेंक दिया जाता है। इस ट्रैम्पोलिन पर आने के बाद इस आम पर केमिकल्स छिड़के जाते हैं, या फिर इसे 1 मिनट तक पानी में डुबा कर रख दिया जाता है ताकि इसके सैप का ये टॉक्सिक इफेक्ट कम हो सके। इसके बाद इन आमों को एक एलिवेटर लैडर पर रख दिया जाता है, जहाँ से ये एक बॉल बिन की तरफ कलेक्ट होने के लिए बढ़ते हैं। क्योंकि ये आम पक गए हैं, इसलिए डैमेज भी हो सकता है। इससे बचने के लिए बॉल बिन के ऊपर एक फॉर्म की शीट लगा दी जाती है, जिस पर ये गिरते हैं। फिर इस फॉर्म शीट को हटाने पर कम फोर्स के साथ ये आम बिन पर गिरते हैं और डैमेज नहीं होते। इसके बाद इन्हें स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर हाउस में भेज दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये फाइनली जूस बनाने के लिए फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं। ट्रक भर कर आम जब फैक्ट्री में आते हैं तो इन्हें अनलोड करने के बाद एक वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें पानी में बहते बहते ये आम फैक्ट्री के अंदर आते हैं। इसके बाद एक सेकेंड वॉश प्रोसेस भी होता है, जिसमें पानी के साथ साथ रोलर्स का भी सहारा लिया जाता है ताकि आम हर तरफ से अच्छे से क्लीन हो सके। इसके बाद इन आमों को एक प्री हीटिंग और सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है। ऐसा करने से आमों पर मौजूद पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज को रिमूव किया जा सकता है, साथ ही इससे आम का कलर और उसका फ्लेवर भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। इन आमों के साफ होने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर चलते हुए ये आम रोलर्स पर गिरते हैं, जिसके आसपास फैक्ट्री के कर्मचारी मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये कर्मचारी इन आमों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हुए डैमेजेस को चेक करते हैं। अगर कोई भी आम अच्छी क्वालिटी का नहीं है या डैमेज हो गया है तो उसे लाइन से बाहर कर दिया जाता है और बाकी आमों को उसी लाइन पर छोड़ देते हैं। फिर कर्मचारी इन बचे हुए आमों की टिप्स या ऊपरी भाग को काट देते हैं। यहाँ से ये आम कॉन्वेयर पर ही आगे बढ़ते हुए एक डेस्टोनिंग मशीन तक पहुँच जाते हैं। ये डेस्टोनिंग मशीन बिना किसी वेस्टेज के बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आमों की गुठलियाँ और उसके छिलके को रिमूव कर देती है, जिसके बाद ये एक पल्पिंग और एक्सट्रैक्टर मशीन के अंदर चले जाते हैं। इस मशीन में ये आम आम से जूस में बदल जाते हैं। अब इसमें 2 तरह के जूसों की कैटेगरी बन जाती है, विद और विदाउट पल्प। इन दोनों ही तरह के जूसेस को निकालने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर से लगाए जाते हैं। इस जूस को निकालने के बाद अब बारी है इसे एक जूस डिग्रेसर में भेजने की, जहां पर इस जूस में से सभी एयर पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है ताकि जूस में ट्रैप्ड ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज्ड करके खराब न कर दे। डिग्रेसिंग मशीन में ये जूस 90 से 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 10 से 15 मिनट तक रहता है। अभी इस मैंगो जूस के साथ एक परेशानी ये भी है कि इसकी डेंसिटी बराबर नहीं है, साथ ही इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं जो आपके जूस का टेक्सचर खराब कर सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए इसे एक होमोजेनाइजर मशीन में डाला जाता है, जहां 20 से 25 मेगा पास्कल के प्रेशर पर इसे 2 से 3 बार होमोजेनाइज किया जाएगा।
इस प्रोसेस के बाद बड़े से बड़े पार्टिकल्स भी 1 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के हो जाते हैं। होमोजेनाइज मैंगो जूस को इसके बाद स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी जूस में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जाता है। इस जूस को स्टेरिलाइजेशन मशीन में डालकर 62 से 85 डिग्री सेल्सियस के बीच कई साइकिल्स में हीट किया जाता है और फिर जल्दी से इसे ठंडा भी कर लिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस से जूस की शेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। इस जूस को इसके बाद बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में स्टोर करके रख लिया जाता है ताकि जब सीजन खत्म हो तब भी कंपनी के पास जूस बेचने के लिए हमेशा जूस रहे। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आप जो जूस पी रहे हैं वो फ्रेश नहीं है, बल्कि हो सकता है उसे 6 से 7 महीने पहले फैक्ट्री में बनाया गया हो। इस जूस को इतने वक्त तक स्टोर करने का एक नुकसान ये है कि जूस अपना फ्लेवर लूज करने लगता है, इसलिए कंपनी को इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर से डालने पड़ते हैं और इसलिए हर जूस की बॉटल्स में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड लिखा होता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो जूस असली आम से नहीं बनता, बल्कि इसलिए क्योंकि इतने वक्त तक स्टोर होने के कारण वो अपना मैंगो फ्लेवर ही लूज कर देता है। खैर, इसके बाद इस जूस को फैक्ट्री के बॉटलिंग प्लांट की तरफ आगे भेजा जाता है, जहाँ एक ऑटोमेटेड प्रोसेस सबसे पहले बॉटल्स को धोकर अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेता है और उसके बाद इन बॉटल्स में जूस को भरकर कैप्स को भी एक ऑटोमेटिक मशीन लगा देती है। आखिर में इन बॉटल्स पर लेबलिंग कर दी जाती है और ये जूस आपके फ्रिज तक आने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी मेहनत से एक आम से फ्रूट जूस बनाया जाता है और कितने स्टेप्स के बाद ये आप तक पहुंचता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।